सो हाय मेरे प्यारे भाइयों, आ चुके नई वीडियो के साथ। गाइस आज आपका भाई कुछ इस टाइप का सीवी एडिटिंग सिखाने वाला, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे गाइस आप लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देख देख के थक गए हो, लेकिन ऐसा वीडियो आप लोग को पूरा यूट्यूब चैनल पर आज तक मिला नहीं होगा। पूरा गाइस रियल ट्रिक आज तक आप लोग को कोई नहीं बताया होगा सीवी एडिटिंग करने का सही तरीका क्या है। आप लोग बस एंड तक वीडियो में बने रही, आपका भाई सीवी एडिटिंग करने का आप लोग को बताएगा कैसा करा जाता है सही तरीका। सबसे पहले गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, ओरिजिनल फोटो को ले लेना है। ओरिजिनल फोटो गाइस लेने बाद आप लोग कुछ नहीं करना, शेयर वाल आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करके, आप लोग को शेयर वाल आइकन पे टाइप करके अपना फोटो की स्नैपशीट टाइप में गाइस शेयर कर लेना। शेयर करने बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा। उसके बाद गाइस आप लोग को डिटेल पे टाइप करना है, इतना इतना करके बढ़ा लेना, फिर 66 करके 50 करके। उसके बाद टून इमेज पर टाइप करके आप लोग इसको थोड़ा सा हल्का करके बढ़ाएंगे भाई 33 करके, और इसको थोड़ा सा 32 करके इसको आप लोग को माइनस करेंगे। देखिए कुछ इतना करके माइनस कर लेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेते हैं। आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का आप लोग बढ़ा लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। उसके बाद गाइस बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क आ चुका। उसके बाद सेलेक्टेड टूल पे आप लोग को टाइप करके, आप लोग को जहाँ रेड और ब्लैक पार्ट रहेगा बस आप लोग वहाँ ऐसा करके सेम तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसा करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ऐसा आप लोग को जहाँ जहाँ ब्लैक टोन रहेगा आप लोग सेम ऐसा सेलेक्ट करके आप लोग ब्लैक को व्हाइट कर सकते हो। देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एक ही बार में हमारा कितना व्हाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ब्लैक और रेड दोनों टोन है, इसको सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, इसके बाद देख सकते हैं इधर भी थोड़ा सा हल्का सा गर्दन के पास में हमारा इधर ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, इसको भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं सेम। उसके बाद शेयर वाल आइकन पर गाइस हम क्या करें, बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद शेयर वाल आइकन पर गाइस आप लोग टाइप करके, शेयर वाल आइकन पर टाइप करने बाद कुछ इंटरफेस हमारा इस टाइप का खुलेगा। उसके बाद गाइस लाइटरूम ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना। शेयर करने बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा, आप लोग देख सकते हैं। एक रहा गाइस हमारा प्रीसेट है बगल में उसका, इसको प्रीसेट को हम लोग क्या करेंगे ऐसा करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे। देखिए कॉपी सेटिंग कर लेंगे, इस पर टाइप करके कॉपी सेटिंग करके इसको बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद गाइस ये रहा गाइस हमारा फोटो जो शेयर की स्नैपशीट टाइप में गाइस, इसको बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए कॉपी पेस्ट करने के बाद देखिए क्लिक में हमारा फोटो किस ऐसा कुछ एडिट हो जाएगा। आप लोग देख सको कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस भी देख सको कितना अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, शेयर वाल आइकन पे गाइस टाइप करके हमारा फोटो को, इस फोटो को हम लोग केस में शेयरिंग करेंगे, ऑटो डेस्क ऐप में गाइस शेयर कर लेंगे, क्योंकि गाइस अपना फेस को स्मूथ करने के लिए। और गाइस आप लोग देख सकते हो अपना फोटो कैसा कुछ लेने बाद ऐसा जूम कर लेंगे। जूम करने बाद गाइस इसको ब्रश वाला आइकन पे गाइस हम लोग टाइप करके ये वाला ब्रश को हम ले लेंगे। आप लोग गाइस ब्रश को दिखाते हैं, ये वाला ब्रश को ले लेंगे। इस ब्रश को गाइस हम लेने बाद ऐसा कुछ जूम करके अच्छे तरीके से अपना फेस को स्मूथ कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस को स्मूथ हो रहा है, एक एक लाइन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ा के अच्छे तरीके से अपने फेस को आप लोग ऐसा करके स्मूथ कर सकते हो। देखिए आराम आराम से पूरा फेस को अपना स्मूथ कर लेते हैं। आप लोग गाइस बस एंड तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी ऐसा फोटो एडिट करना सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे ऐसा फोटो एडिट करना। आप लोग देख सकते हैं। और गाइस थोड़ा सा हल्का सा वीडियो को फास्ट करके स्मूथ कर लेते हैं, कि गाइस वीडियो बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, ऐसा करके आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए कितना गाइस अच्छे तरीके से अपना फेस को स्मूथ करें, सेम आप लोग भी ऐसा करके अपना फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। और गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गाइस बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ऐसा करके अपना फोटो को स्मूथ कर लेना। आप लोग गाइस ऐसा सीवी एडिटिंग करने का आज तक कोई तरह का तरीका बताया नहीं होगा, कोई रियल तरीका कैसे अपना फोटो की सीवी एडिटिंग करा जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा करके सेम प्रोसेस करके अपना फोटो पर ऐसा करके पूरा स्मूथ कर लेना। इधर नाक पे भी अच्छे तरीके से ऐसा हम करें, आप लोग भी ऐसा देख के आप भी कर सकते हो, लेकिन हम तो वीडियो को थोड़ा सा हल्का सा फास्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ना, इसके लिए वीडियो को थोड़ा सा हल्का सा हम फास्ट कर लिए हैं। ऐसा करके अपना हैंड भी स्मूथ कर लेना। आप लोगों को देखिए आप लोग ऐसे लाइव प्रूफ के साथ आप लोग को आप लोग को पूरा एडिट करके पूरा शुरू से एंड तक आपका भाई दिखाने वाला है। बस एंड तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी ऐसा फोटो एडिट करना सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। बस आप लोग बोलोगे भाई क्यों ऐसा फोटो एडिट करेगा कि आप हमको मालूम नहीं पड़ा, ऐसा करके आप लोग भी ऐसा नहीं सीख पाओगे। इसके लिए आप लोग बार बार एक ही बात बोलते हैं, आप लोग एंड तक बस वीडियो में बन रहे। तो फाइनल गाइस हमारा फोटो तो स्मूथ हो चुका। स्मूथ होने बाद गाइस शेयर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करके अपना फोटो किसमें शेयर करना है, पिक्सर आइटम में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना। देखिए पिक्सर आइटम में गाइस आने में कुछ इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा। उसके बाद क्रॉप वाला आइकन पे टाइप करके इसको आप 28 करके रख लेना है। देखिए दोनों को 28 28 करके
उसके बाद डन कर लेना। उसके बाद गाइस क्रॉप वाला आइकन पे गाइस आप लोग इस पर एडिट वाला आइकन पे गाइस टैप करके इस पर आएंगे सीवी एडिटिंग पे इफेक्ट पे। उसके बाद गाइस फेदर वन टू करके लिखेगा आप लोग को, फेदर वन पे आप लोग को टाइप करना है। फेदर वन पे आप लोग को टाइप करने बाद इस पर देखा इस पर एक स्क्रॉल कर देंगे। उसके बाद पेंसिल आइकन पे गाइस हम टाइप करके इसको आराम आराम से ऐसा करके अपना फेस पैसे और जो हेयर पैसा रहने देंगे बस अपना फेस पैसा आराम आराम से आप लोग इरेज कर लेना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम इरेज कर रहे हैं, सेम तरीके से आप लोग भी ऐसा करके इरेज कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से इरेज कर रहे हैं, आप लोग भी गाइस ऐसा सेम तरीके से इरेज कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम इरेज कर रहे हैं, इधर भी थोड़ा सा हैंड पे भी बचा है, इसको भी अच्छे तरीके से हम इरेज कर ले रहे हैं। बस गाइस आप लोग आराम आराम से वॉच कीजिए, वॉच कर बोल रहे सॉरी गाइस, आराम आराम से आप लोग इरेज कीजिएगा। और गाइस एंड तक बस वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो पूरा वॉच करें, और गाइस अच्छा लगेगा तभी एक लाइक आप लोग हमको दीजिएगा, नहीं तो गाइस हमको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो तो आप लोग लाइक नहीं दीजिएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर भी दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग को जितना आप लोग को फोटो एडिट कर एक एक ट्रिक आप लोग को बताएं हैं कौन सा अपना फोटो को एडिट किए हैं क्या नहीं किए हैं, आप लोग के हर एक ट्रिक आप लोग को बताएं, जो जो अपना ट्रिक को इस्तेमाल किए इस फोटो में आप लोग को सभी कुछ बताएं। उसके बाद गाइस अपना क्या करना है, इसको डन वाला आइकन पर टाइप करके अपना फोटो इफेक्ट को हटाने वाले डन वाला आइकन पर टाइप करते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, देखिए इस पर करो पहला आइकन पर फिर से इस पर आएंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को सीवी एडिटिंग का फेदर टू पे आप लोग टाइप करके इसको स्क्रॉल कर लेंगे, इसको एफ सी टू को पूरा माइनस कर लेंगे। सेम गाइस वही फोर्सेस करेंगे जैसा उसमें से अपना फेस पे से इरेज करें, ऐसा इसमें भी अपना फेस पे से इरेज कर लेना। आप लोग को देखिए कितना अच्छे तरीके से इरेज कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छे तरीके से इरेज कर लीजिएगा। कितना अच्छे तरीके से हमारा फोटो पे से इरेज हो रहा है, सेम गाइस आप लोग भी ऐसा करके इरेज कर लीजिएगा। कितना अच्छे तरीके से आप तो देख ही सकते हैं। और गाइस ऐसा करके बस आप लोग ऐसा आराम आराम से आप लोगों को इरेज कर लेना। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग भी कैसे ऐसा करके इरेज कर लीजिएगा। देखिए इधर थोड़ा सा बस इधर पैर के पास में बचा है थोड़ा, तभी सभी जगह से हम इरेज कर लिए, बस पैर के पास में थोड़ा सा बचा है, इसको भी अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं आप लोग भी गैस अच्छे तरीके से। उसके बाद गैस इरेज करने बाद आप लोग कुछ नहीं करना, डन आइकन पर टाइप करके आप लोग को कुछ नहीं करना, इस फोटो को आप लोग को सेव कर लेना ऊपर में सेव वाला आइकन पर टाइप करके। उसके बाद गैस क्रॉप वाला आइकन पहना है, बस अपना फोटो को इसको इरेज कर लेना। देखिए इसको हटा लेना, क्या करना है आप लोग ऐसा करके हटा लीजिएगा, ऐसा करके हम जैसे हम हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा करके इसको हटाने बाद उसके बाद आप लोग को गाइस कुछ इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा, उसके रिमूव वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करेंगे तो हमारा फोटो यहाँ से आप लोग को गायब हो जाएगा। गायब होने बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं इसी फोटो को हम इसी में बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। उसके बाद क्रॉप वाला आइकन पे गाइस आप लोग को फिर टाइप करना है। देखिए इस पर टाइप करने बाद एडिट वाला आइकन पे सॉरी गाइस उस पर आप लोग को ये वाला फर्स्ट वाला आपको ब्लर को लेने बाद आप लोग को 29 करके रख लेना है 30 करके। उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, पेंसिल आइकन पे गाइस आप लोग टाइप करके नीचे का पार्ट को आप लोग जितना ब्लर नहीं चाहिए वहाँ से आप लोग इरेज कर लेंगे, हमको तो इतना नहीं चाहिए। उसके बाद इरेज कर लेना आप लोग को अच्छे तरीके से, और इसको आप सीटू को अच्छे तरीके से इरेज करने बाद आप लोग जो फोटो को सेव करें तो फोटो को ले लेंगे। उसके बाद गाइस इस फोटो को आप लोग कुछ नहीं करना, इस पर डन करके इसको कुछ दोनों फिंगर से छोटा करके दोनों पैसा बैठा लेंगे। उसके बाद रिमूव पीजी को एक आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग टाइप करेंगे तो एक ही क्लिक में और बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना मस्त ब्लर हो जाएगा। देखिए एक ही क्लिक में आप लोग गाइस एक ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, और गाइस इसके लिए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गाइस बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। ऐसा करके उसके बाद डन वाला आइकन पर टाइप करके अपना फोटो को डन कर लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को जो पीएनजी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा सभी लाइट का, आप लोग बहुत आसान तरीके से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ब्लेंडिंग करके अच्छे तरीके से जूम करके बैठा लेंगे, देखिए कितना अच्छे तरीके से, और एक डुप्लिकेट लेयर बना के यहाँ पर नीचे हैंड पे पास बैठा लेते हैं। उसके बाद गाइस अपना गैलरी में आ जाएंगे हम पीएनजी को लेने बाद, इसको सभी पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप लोग बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को ब्लेंडिंग पे टाइप करके आप लोग इस पर इफेक्ट पे एक बार इसका स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इंटरफेस ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इस पीएनजी को डॉग वाले को ऐसा करके यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग नीचे पे हाथ के पास पे बैठा लेंगे। उसके बाद जो इसको हमको इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप करने बाद यहाँ पे लाइट पे हमारा जो है ना लाइट को अच्छे तरीके से लाइट के ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं लाइट को ऊपर में, और लाइट के ऊपर के नीचे आप लोग अच्छे तरीके से इसको बैठा लीजिएगा डॉग को भी,
तभी अच्छा तरीके से ओवर के करेगा हमारा फोटो में बहुत देर डॉग का। तो देख सकते हैं कितना अच्छा डॉग लग रहा है। इसको आज आप लोग अच्छे तरीके से बैठा लेंगे सभी पीएनजी को जैसे हम बैठा रहे हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से बैठाने बाद थोड़ा सा लाइट को भी अच्छे तरीके से आप लोग बैठा लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, डन वाले आइकन पर गाइस टाइप करके अपना फोटो को एक और गाइस गैलरी में से जो हमारा सुगा का पीएनजी है जो हमारा बॉडी पर बैठा है इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने बाद गाइस आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छा बैठा लेंगे। इसको गाइस एक बार रोटेट कर लेंगे, रोटेट करने बाद गाइस हमारा कुछ ऐसा खुलेगा। उसके बाद गाइस इसको आप लोग कुछ नहीं करना, जो हमारा फोटो रूम का लॉग है इसको इरेज कर लेना है पिंसिबल आइकन पे टाइप करके। इसको अच्छे तरीके से हम बैठा लेंगे थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद गाइस इसको डन कर लेना है। डन करने बाद एक और गाइस हमारा जो पीएनजी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग उस पीएनजी को भी ले लेना आप लोग डाउनलोड करके। उसके बाद इसको भी आप लोग को कुछ नहीं करना, इसको एक बार रोटेट कर लेना, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से बैठा लेना। देखिए यहाँ बैठाने बाद हमारा फोटो में कितना ज़्यादा जान आ चुका है। उसके बाद गाइस आप लोग को इस पर टाइप करना है इफेक्ट पर, देखिए फेदर एक्स एफ करके लिखा इस पर टाइप कर देंगे यहाँ पे एक्स करके। इसको आप लोग को एफ सी टू को 32 करके रख लेना है। हमारा फोटो देख सकते कितना ज़्यादा क्वालिटी हो चुका है। इसको आप लोग एफ सी टू को 40 करके यहाँ इसको रख लेंगे। 40 करने बाद आप लोग को डन वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को क्या करना है, सेव वाले आइकन पे टाइप करके अपना फोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को स्नैप सी टाइप में गाइस शेयर कर लेना है। आप लोग को सबसे पहले दिखाते हैं आप लोग को स्नैप सी टाइप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना। आप लोग को दिखाते हैं कैसा शेयर करना। इस पर शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके इधर या फिर स्नैपशीट का लोगो खुलेगा उस पर टाइप कर देंगे। उसके बाद गाइस डिटेल वाला आइकन पे गाइस आप लोगों को टाइप करके दोनों डिटेल को 100 बढ़ा लेना है। देखिए 100 बनाने तो हमारा फोटो में कितना ज़्यादा लाइट आ चुका है, चमक आ चुका है, आप लोग उतना बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद गाइस सेलेक्टेड टूल पर आप लोग को आना है, जहाँ आप लोग को ब्लैक ब्लैक टोन दिखाई देगा और रेड टोन दिखाई देगा। आप लोग अच्छे तरीके से सैचुरेशन को कम करके आप लोग अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग कैसा एडजस्ट कर रहे हैं। आप लोग ऐसा करके आप लोग को जहाँ रेड और ब्लैक दिखाएगा आप लोग सेम तरीके से ऐसा करके आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। ऐसा हम कर रहे हैं आप लोग तो देख सकते हो, सेम आप लोग को भी ऐसा करके एडजस्ट कर लेना। देखिए इसको एफ सी टू को कम कर लेंगे, जहाँ जहाँ हमारा जो ब्लैक पार्टी दिखाई देगा और रेड पार्टी दिखाई देगा। इधर पैर पे देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा रेड है, रेड टोन है। इसको एफ सी टू को कम करके इसको सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेंगे। ऐसा करके आप लोग भी इधर पैर पे भी हमारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेड टोन है। इसको भी अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं सेम प्रोसेस। इधर भी थोड़ा सा हमारा ज़्यादा रेड दिखाई दे रहा है, इसको भी कर लेते हैं। इसको एफ सी टी को कम कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, इसको भी एफ सी टी को कम कर लेंगे। उसके बाद डन वाल आइकन पे टाइप करके अपना फोटो को, शेयर वाल आइकन पे टाइप करके अपना फोटो को सेव कर लेना। आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से आप लोग जैसा थंबनेल में देखे आपका भाई सेम ऐसा फोटो को एडिट करके आज आपका भाई दिखा चुका है। और गाइस आप लोग को बोले ना आप लोग को सीवी एडिटिंग का बादशाह बना देगा आपका भाई। आप लोग देख सकते हैं इसको थोड़ा सा आप लोग अपना फोटो के हिसाब से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारा फोटो को शेयर वाला आइकन पे टाइप करके अपना बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। उसके बाद शेयर वाला आइकन पे टाइप करके अपना फोटो को शेयर कर लेंगे। और गाइस हमारा फोटो देख सकते हैं आप लोग को लाइव ग्रुप के साथ फोटो एडिट करके दिखाएं। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है।